मुझे मदर्स डे पे क्या गिफ्ट मिला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आज फ्राइडे है और जैसे कि आप जानते हो, मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था कि 10th of May को हमारा सामान जाने वाला है, दैट इज टुडे। सो अभी मॉर्निंग का, इट्स मिड मॉर्निंग, 12 बजने वाला है और हमारे ड्राइवर का फ़ोन आ चुका है कि वो आने वाला है। अब गॉड नोज़ कब आएगा, क्योंकि उसने 10 बजे फ़ोन किया था एंड ही वाज टेलिंग कि 11 o'clock आएगा, बट अभी 12 बजने वाला है, अभी तक नहीं आया। सो वी आर जस्ट वेटिंग एंड गोविंद को मुझे लगता है भूख लग रही है, तभी वो क्या खा रहा था अभी? डोरिटोज। उसको डोरिटोज बहुत पसंद है तो वो डोरिटोज खा रहा था और मैं ट्राई कर रही हूँ कि उसको कोकोनट वाटर पिला दूँ, क्योंकि गर्मी बहुत है। सो प्लीज़ स्टे हाइड्रेटेड, कोकोनट वाटर लेते रहिए, नींबू पानी लेते रहिए, ग्लूकोज चाहे तो वो लीजिए, बट मेक श्योर कि आप हाइड्रेटेड रहें और अपने बच्चों को भी हाइड्रेटेड रखें। चलो नौटंकी बंद करो। ओके, मैं भी आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज लंच में क्या प्रिपेयर किया है और पूरे घर की हालत भी आपको एक क्विक टूर देती हूँ। और ये देखिए, आज मैंने लंच में बनाई है हरी धनिए की चटनी, ये है बूंदी का रायता, साथ ही साथ मैंने ये लौकी की सब्जी बनाई है और ये आटा बना के रख दिया है। फटाफट रोटी बना लूँगी बस, तो अब लंच की कोई टेंशन नहीं है, लंच पूरा रेडी हो चुका है मेरा। और अभी मैं जल्दी से एक क्विक टूर देती हूँ आपको अपने घर का, दिखाती हूँ किस तरीके से मैंने पैकिंग की है और अभी घर की हालत क्या हो रखी है। और जैसे कि आप टाइटल में पढ़ चुके हो, इसी वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मुझे मदर्स डे पे क्या गिफ्ट मिला। सो स्टे ट्यून्ड। और देखिए, ये है मेरा बेडरूम, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, यहाँ पे मैंने सारे कार्टन्स जो हैं वो पैक करके रखे हैं। इन कार्टन्स पे मैंने डिटेल में मेंशन किया है क्या क्या सामान इनके अंदर है और क्या स्टैक ऑप्शन है, क्या वेट है इन कार्टन्स का, एंड मैंने काफ़ी डिटेल में सब कुछ मेंशन किया है जिससे कि वहाँ जाके मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो सामान ढूंढने में। और ये दो सूटकेस भी आज ही चले जाएंगे, इसमें सब एक्स्ट्रा क्लोथिंग है, थोड़ी विंटर क्लोथिंग है, थोड़ी समर क्लोथिंग भी है जो एक्स्ट्रा थी, और ये रैक भी जाने वाली है। और ये है लिविंग रूम, यहाँ तो और भी ज़्यादा मेस हो रखा है अभी, थोड़े बहुत कार्टन्स यहाँ पर भी रखे हैं और सारे रैक्स वगैरह भी रखे हैं जो जाने हैं, तो ये सारा सामान जाना है और बस अब लोड होना स्टार्ट होने वाला है सामान। और ये हमारे छोटे नवाब अपना डोरिटोज खा रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि इन्हें ट्रक देखने मिल गया और डोरिटोज मिल गए, बस इन्हें अपनी लाइफ में अभी और कुछ नहीं चाहिए, बहुत एक्साइटेड हैं ये शिकागो जाने के लिए। एंड ट्रक पूरा पैक हो चुका है जाने के लिए और बस सामान जाते ही हम लोग बहुत भूखे हो गए थे। इट्स अराउंड 2 o'clock जब हम लोग लंच करने बैठे हैं। आज मुझे पता था कि लंच उनके आने के बाद नहीं बन पाएगा, इसीलिए मैंने मॉर्निंग में ही अपना लंच वगैरह बना लिया था और बस अभी गर्मा गर्म रोटी बनाई है और अभी हम सब अपना बैठ के लंच इंजॉय कर रहे हैं। तो हमने कुछ नहीं किया, कोई भी सामान उठाया नहीं, बट स्टिल खड़े खड़े देखते देखते ही बहुत थकावट हो गई थी एंड मुझे ये एक्सपेक्टेड था, इसीलिए मैंने पहले ही अपना लंच वगैरह सब प्रिपेयर करके रखा था। और अंशुल ने कोई मूवी लगाई है, मैं तो मूवी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी तो शायद मुझे मूवी का नाम भी याद नहीं है अभी। तो और बस लंच करने के बाद अंशुल अभी गोविंद को सुला रहे हैं और मैंने सोचा थोड़ा सा घर को क्लीन करती हूँ, थोड़ा सा वर्केबल बनाती हूँ, क्योंकि सामान चला गया है, लाइट्स वगैरह चली गई हैं तो घर में अब काफ़ी कम लाइट्स हैं, तो वही सब अभी मैं अब थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करूँगी घर को। एंड दीज आर द हिडन ट्रेजर्स यू गेट व्हेनेवर यू हैव अ किड एट होम।
फाइनली बहुत देर बाद मैं बैठी हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ। ऑलमोस्ट 5 आवर्स लग गए, मैं शायद 12 बजे मैंने ये ब्लॉग स्टार्ट किया था और अभी बज रहा है 4। तो मूवर्स एंड पैकर्स आए, उन्होंने देखा अपने सामान सब पैक वगैरह किया एंड दे लेफ्ट एट अराउंड 1:15। उसके बाद फिर लंच वगैरह किया, लंच के बाद थोड़ा सा मैं सो गई थी क्योंकि थकान बहुत हो जाती है। चाहे आप कुछ करो ना, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ उन्हें देख रही थी, तब भी बहुत थक गई थी। तो मैं 10-15 मिनट लेट गई, फिर आपने देखा थोड़ा सा घर वगैरह क्लीन किया। अब घर वर्केबल कंडीशन में आ गया है। वेट, मेरी आवाज़ गूंज रही है क्योंकि घर से सारा सामान चला गया ना, तो इको हो रही है बहुत ज़्यादा। तो मैं थोड़ा सा धीरे बोल रही हूँ, वो भी ऐसा लग रहा है कि आवाज़ एकदम पूरे घर में फैल रही है। तो फाइनली अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मुझे मदर्स डे पे क्या मिला। देखिए ये बड़ा सा पैकेज है, हमने मिक्स स्टाइल से कुछ फ़ोटो फ्रेम्स बनवाए हैं। मुझे और मेरे हस्बैंड को ना पूरा घर फोटो से डेकोरेट करना बहुत पसंद है, सो सोचा कि मदर्स डे के लिए दिस वुड बी द परफेक्ट गिफ्ट। एक्चुअली मुझे ये कल ही रिसीव हुआ और मुझे आप लोगों को भी शो करना था, इसलिए मैं आज इसे अपने सामान के साथ नहीं भेज पाई, वरना मैं इसे भी पैक करके भेज चुकी होती। बट एनीवेज हम इसे अपने साथ ले जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कैसे इन्हें प्रिंट करवाया है। ये देखिए कुछ मैंने फ़ोटो सिलेक्ट कर ली थी और उसके बाद मैंने इनके ऐप के थ्रू ऑर्डर प्लेस किया था। एंड इनका कलर देखिएगा फोटोज का कितना सुंदर आया है, आई जस्ट शो यू। एक तो ये पैक बहुत अच्छे से होकर आई है, 2-2 टाइल्स एक साथ पैक्ड है। ये मेरा छोटा हीरो, प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा क्लियर है एंड कलर कॉम्बिनेशन जो इन्होंने, मतलब जो आपकी फ़ोटो होगी ना एक्चुअल, उसकी भी जो कलर है वो बिल्कुल एकदम ब्राइट आए हैं, बहुत सुंदर फोटोज आई हैं। ये फोटो है उसके फोटोशूट की, वही बस 7 months old, मैं इंडिया लेकर गई थी उसको, सो उसका फोटोशूट कराया था, उसकी एक फ़ोटो मैंने बनवाई है। ये मैंने मिक्स्ड फोटोज बनवाई हैं, कुछ हम दोनों की है, लाइक मी एंड माई हस्बैंड, कुछ हमारे बेटे की हैं, कुछ हमारी एज अ फैमिली हैं, सो मिक्स्ड हैं ये। ये उसकी फोटो है, क्यूट सी, मुझे बहुत क्यूट लगती है ये फोटो। और एक ये फोटो है जब, ये उसके फर्स्ट बर्थडे की फोटो है जब हम उसे कैलिफोर्निया लेकर गए थे, लेक टाओ की फोटो है ये। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये तो रिसेंटली ही हम अभी नायग्रा फॉल्स गए थे, वहाँ की फोटो है, बहुत सुंदर, बहुत क्लियर पिक्चर इन्होंने प्रिंट करके दिया है, हाईली सैटिस्फाइड। उसके बाद ये फोटो है, अभी शायद आपने देखा होगा जब मेरे पेरेंट्स आए थे, हम लोग सैन डिएगो गए थे, वहाँ की फोटो है। मुझे बहुत अच्छा लगता है घर को फोटोज से सजाना एंड इनकी एक ये अच्छी बात है, ये रेंटर्स होम फ्रेंडली है। मैं भी आपको दिखाती हूँ, इनके पीछे ना एक टेप है, आप बस देखिए ये टेप है, आप बस इसको पील करके किसी भी वॉल पे लगा सकते हैं एंड जब भी आपको अगर इनका प्लेसमेंट समझना है या चेंज करना हो तो आप उनको आराम से निकाल के फिर दूसरी जगह भी लगा सकते हैं, तो ये बेस्ट पार्ट मुझे लगा इसका। ये एक फ़ोटो है मेरे और मेरे हस्बैंड की, ये हमारे हनीमून के टाइम से है। मुझे ये फ़ोटो बहुत अच्छी लगती थी एंड आज तक मैंने कभी भी इसको अपनी फ़ोटो वॉल पे भी नहीं लगाया था, तो सोचा इस वाले टाइल पे इसको मैं प्रिंट कराती हूँ। उसके बाद हमारी ये फ़ोटो है फैमिली फ़ोटो, ये लास्ट ईयर न्यू ईयर की फ़ोटो है जब हम माउंट लेमन गए थे, तो वहाँ पर हमने क्लिक कराई थी, तो बहुत ही प्यारी फोटो आई है। आई डोंट नो, मतलब कोइंसिडेंसली उस दिन हम तीनों रेड पहन के गए थे एंड दिस फोटो टर्नड आउट टू बी सो ब्यूटीफुल, मैंने सोचा एक फोटो तो ये बनती है। एक क्लोजर व्यू पिक्चर्स का आपके साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए हर पिक्चर कितनी ब्राइट एंड कलरफुल आई है, मुझे बहुत पसंद आई ये। एंड जब मैं अपने न्यू होम जाके ये सारी पिक्चर्स पेस्ट करूँगी, डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को भी ऐसे फोटो फ्रेम्स बनवाने हैं तो मैं मिक्स स्टाइल ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। अभी बन रही है मेरी शाम की चाय। एक्चुअली मैं चाय से एडिक्टेड नहीं हूँ, बट जब मैं बहुत ज्यादा थक जाती हूँ ना, तो कभी कभार एक कप कड़क चाय मिल जाए तो बस काम हो जाता है। और इतना ज्यादा स्ट्रेस था लास्ट वीक, तो मतलब पूरा लास्ट फ्राइडे से आज तक की पैकिंग 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 करते करते वो बबल रैप्स एंड पॉलिथीन एंड कार्टन्स देखते देखते एट टाइम्स तो मुझे लगता था कि मैंने अपना दिमाग भी साथ में पैक करके भेज दिया है। बट अब
काफ़ी रिलैक्सेशन है, मेजर जो सामान है वो निकल चुका है, अब थोड़ा बहुत मिसलिनियस सामान है जो हम अपने साथ ही लेकर जाएंगे। और आज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल डे था मेरे लिए क्योंकि सारा सामान निकल चुका और घर बिल्कुल खाली हो गया है। मैं बोल भी रही हूँ तो ऐसा लग रहा है कि घर में आवाज़ गूंज रही है क्योंकि सारा सामान आपने देखा ही है, सब कुछ निकल गया है। और काफ़ी लोग ना मुझे मैसेजेस एंड मेल्स करते हैं कि मैं काफ़ी ज़्यादा उन्हें इमोशनली स्ट्रांग दिखती हूँ, पॉजिटिव हूँ और प्रैक्टिकल हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं मानती हूँ मैं बहुत प्रैक्टिकली सोचती हूँ और मैं बहुत पॉजिटिव रहती हूँ, कभी भी अपना टेम्पर बहुत जल्दी जल्दी लूज़ नहीं करती। बट यार ऐसा टाइम सबकी लाइफ में होता है जब आप बहुत इमोशनली वीक हो जाते हो, तो मुझे लगता है कि एक ये ऐसा टाइम है, जस्ट मूविंग का टाइम, जब मैं थोड़ा सा इमोशनली वीक हूँ। मैं एक्साइटेड भी हूँ अपने नए घर जाने के लिए, नई सिटी एक्सप्लोर करने के लिए एंड स्पेसिफिकली कोल्ड एनवायरनमेंट एक्सप्लोर करने के लिए क्योंकि यहाँ तो बहुत गर्मी पड़ती है। बट यू नो, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, ये घर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरी मैरिड लाइफ यहाँ से स्टार्ट हुई थी। एंड काफ़ी लोग मुझे कॉमेंट भी करते हैं कि येस, डेफिनेटली शादी के बाद जो पहला घर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपके दिल के बहुत करीब होता है। सो ये घर मेरे लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे भले ये छोटा है, चाहे यहाँ का फर्नीचर इतना अच्छा नहीं था, सब अपार्टमेंट के थ्रू प्रोवाइडेड था, बट स्टिल ये घर मेरे लिए बहुत बहुत दिल के करीब है। एंड अब तो सब्सिक्वेंट वीक्स में हमारी काफ़ी फेयरवेल पार्टीज भी हैं, लाइक एक दो फ्रेंड्स हैं जो मिलना चाहते हैं डिनर्स पे। तो कल भी एक है जिन फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया हुआ है, तो हम लोग वहाँ जाने वाले हैं। सो और ज़्यादा नॉस्टैल्जिक फीलिंग आएगी कि लास्ट बार अब इन फ्रेंड से शायद मिल रहे हैं, पता नहीं हम मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे। तो यही सब है, स्वीट मेमोरीज हैं जो हम सब इकट्ठी करके यहाँ से लेकर जाएंगे नए शहर में, नई घर में, वहाँ पे नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बट डेफिनेटली जो मेरे आप लोग फ्रेंड्स हो वो तो रहोगे ही ना मेरे साथ। एंड यही था मुझे जो कहना था आज का ब्लॉग, चलिए अब यही वाइंड अप करते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। इफ़ सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आप नए आए हैं। तो फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, चलिए टेक केयर, बाय।